आइए दोस्तों जानते हैं पौराणिक काल के 24 चर्चित श्राप और उसके पीछे की छुपी कथाएं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनेकों अनेक श्रापों का वर्णन मिलता है। हर श्राप के पीछे कोई न कोई कथाएं जरूर मिलती हैं। आज हम आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित 24 ऐसे प्रसिद्ध श्राप और उनके पीछे की कहानी बताएंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरी इस नॉलेज को यानी कि मेरी इस जानकारी को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है तो पांडवों को बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधि विधान पूर्वक कर्ण का भी अंतिम संस्कार किया। माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण के जन्म का रहस्य बताया तो शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज से कोई भी स्त्री गुप्त बात छिपाकर नहीं रख सकेगी। नंबर 2, ऋषि किंदम का राजा पांडु को श्राप। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने वन गए। उन्होंने वहां हिरण के जोड़े को मैथुन करते देखा और उन पर बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरणवाहिनी ऋषि किंदम व उनकी पत्नी थी। तब ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी आप किसी स्त्री से मिलन करेंगे उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ मिलन कर रहे थे उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। नंबर 3, मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। महाभारत के अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। राजा ने भूलवश उन्हें चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा दी। सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि मांडव्य से क्षमा मांग कर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक पतंगे की पूंछ में सीख चुभाई थी, उसी के फलस्वरूप आपको यह कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। नंबर 4, नंदी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गया। वहां उसने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के समान मुख वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तेरा सर्वनाश होगा। नंबर 5, कद्रु का अपने पुत्र को श्राप। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रु व विंता नाम की दो पत्नियां थीं। कद्रु सांपों की माता थी व विंता गरुड़ की। एक बार कद्रु व विंता ने एक सफ़ेद रंग का घोड़ा देखा और शर्त लगाई। विंता ने कहा कि घोड़ा पूरी तरह से सफ़ेद है और कद्रु ने कहा कि घोड़ा तो सफ़ेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। कद्रु ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सूक्ष्म रूप में जाकर घोड़े की पूंछ में चिपक जाओ जिससे सब उसकी पूंछ काली दिखाई दे और मैं शर्त जीत जाऊँ। कुछ सर्पों ने कद्रु की बात नहीं मानी। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जनमेजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। नंबर 6, उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने स्वर्ग गए तो वहां उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई। यह देख अर्जुन ने उन्हें अपनी माता के समान बताया। यह सुनकर क्रोधित उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे। तुम्हें स्त्रियों
में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। यह बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान यह श्राप तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। नंबर 7, तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। शिवपुराण के अनुसार शंखचूर्ण नाम का एक राक्षस था, उसकी पत्नी का नाम तुलसी था। तुलसी पतिव्रता थी, जिसके कारण देवता भी शंखचूर्ण का वध करने में असमर्थ थे। देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण का रूप धारण करके तुलसी का सील भंग कर दिया। तब शंकर भगवान ने शंखचूर्ण का वध कर दिया। यह बात जब तुलसी को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम के रूप में की जाती है। नंबर 8, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पूर्ण परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें वहां शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए, जो मौन अवस्था में थे। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाही, लेकिन ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर परीक्षित को बहुत क्रोध आया और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद पच्छर नाग राजा परीक्षित को डस लेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 9, राजा अनरण्य का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे, जिनका नाम अनरण्य था। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरण्य से उनका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इन्हीं के वंश में आगे जाकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रावण का वध किया। नंबर 10, परशुराम का कर्ण को श्राप। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे। सूर्यपुत्र कर्ण उन्हीं का शिष्य था। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रख कर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न ना आए यह सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने देखा तो वे समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है। वह क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम यह विद्या भूल जाओगे। नंबर 11, तपस्विनी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था, तभी उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और उसके साथ चलने को कहा। उस तपस्वी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। नंबर 12, गंधारी का श्री कृष्ण को श्राप। महाभारत के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण गंधारी को सातवां ना देने पहुँचे तो उन्होंने पुत्रों का विनाश देखकर गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार पांडवों और कौरों आपस में फूट के कारण नष्ट हुए हैं, उसी प्रकार तुम भी बंधु बांधवों का वध करोगे। आज से 36वें वर्ष तुम अपने बंधु बांधवों का व पुत्र का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। गंधारी के श्राप के कारण ही भगवान श्री कृष्ण के परिवार का अंत हुआ। नंबर 13, महर्षि वशिष्ठ का वशुओं को श्राप। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह पूर्व जन्म में अष्ट वशुओं में से एक थे। एक बार इन अष्ट वशुओं ने ऋषि वशिष्ठ की गाय का
बलपूर्वक अपहरण कर लिया। जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अष्टवसुओं को श्राप दिया कि तुम आठों वसुओं को मृत्यु लोक में मानव रूप में जन्म लेना होगा और आठवें वसु को राज, स्त्री आदि सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। यही आठवें वसु भीष्म पितामह थे। नंबर 14, शूर्पनखा का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण की बहन शूर्पनखा के पति का नाम विद्युज्वय था, जो काल के नाम के राजा का सेनापति था। रावण जब विश्व युद्ध पर निकला तो काल के से उसका युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युत जीव का वध कर दिया। तब शूर्पनखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। नंबर 15, ऋषियों को शाम्ब को श्राप। महाभारत के मौसम नंबर 15 ऋषियों का शाम्ब को श्राप। महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र, कण्व आदि ऋषि द्वारका गए। तब उन ऋषियों का परिहास करने के उद्देश्य से शारण आदि वीर कृष्ण पुत्र शाम्ब को स्त्री वेश में उनके पास ले गए और पूछा कि इस स्त्री के गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। क्रोधित होकर ऋषियों ने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र वृष्णि और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा समस्त यादव कुल का नाश हो जाएगा। नंबर 16, दक्ष का चंद्रमा को श्राप। शिवपुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से करवाया था। उन सभी पत्नियों में रोहिणी नाम की पत्नी चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय थी। यह बात अन्य पत्नियों को अच्छी नहीं लगती थी। यह बात उन्होंने अपने पिता दक्ष को बताई तो वे बहुत क्रोधित हुए और चंद्रमा को सभी के प्रति समान भाव रखने को कहा, लेकिन चंद्रमा नहीं माने। तब क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को 6 रोग होने का श्राप दिया। नंबर 17, माया का रावण को श्राप। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के वहाँ गए। वहाँ रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासना युक्त होकर मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई, अतः तुम्हारी मृत्यु भी इसी कारण होगी। नंबर 18, शुक्राचार्य का राजा ययाति को श्राप। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार राजा ययाति का विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ हुआ था। देवयानी की शर्मिष्ठा नाम की एक दासी थी। एक बार जब ययाति और देवयानी बगीचे में घूम रहे थे तब उसे पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता भी राजा ययाति हैं, तो वह क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और उन्हें पूरी बात बता दी। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ययाति को बूढ़े होने का श्राप दे दिया। नंबर 19, ब्राह्मण दंपत्ति का राजा दशरथ को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार जब राजा दशरथ शिकार करने वन में गए तो गलती से उन्होंने एक ब्राह्मण पुत्र का वध कर दिया। उस ब्राह्मण पुत्र के माता पिता अंधे थे। जब उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग कर रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र योग के कारण ही होगी। नंबर 20, नंदी का ब्राह्मण कुल को श्राप। शिवपुराण के अनुसार एक बार जब सभी ऋषिगण, देवता, प्रजापति, महात्मा आदि प्रयाग में एकत्रित हुए तब वहां दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का तिरस्कार किया। यह देखकर बहुत से ऋषियों ने भी दक्ष का साथ दिया। तब नंदी ने श्राप दिया कि दुष्ट ब्राह्मण स्वर्ग को ही सबसे श्रेष्ठ मानेंगे तथा क्रोध मोह लोभ से युक्त हो निर्लज्ज ब्राह्मण बने रहेंगे। शूद्रों का यज्ञ करवाने वाले या दरिद्र होंगे।
नंबर 21, नल कुबेर का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। अपनी वासना पूरी करने के लिए रावण ने उसे पकड़ लिया। तब उस अप्सरा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श करेगा तो उसका मस्तक टुकड़ों में बट जाएगा। नंबर 22, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार किया, ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन से अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। यह देखकर भगवान विष्णु ने परीक्षित की रक्षा का दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का श्राप दिया। नंबर 23, तुलसी का श्री गणेश को श्राप। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार तुलसी देवी गंगा तट से गुजर रही थी। उस समय वहां श्री गणेश तप कर रहे थे। श्री गणेश को देखकर तुलसी का मन उसकी ओर आकर्षित हो गया। जब तुलसी ने श्री गणेश से कहा कि आप मेरे स्वामी हो जाइए, लेकिन श्री गणेश ने तुलसी से विवाह करने से इनकार कर दिया। क्रोधवश तुलसी ने श्री गणेश को विवाह करने का श्राप दे दिया और श्री गणेश ने तुलसी को वृक्ष बनने का। नंबर 24, नारद का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के अनुसार एक बार देवऋषि नारद एक युवती पर मोहित हो गए। उस कन्या के स्वयंवर में वे भगवान विष्णु के रूप में पहुंचे, लेकिन भगवान विष्णु की माया से उनका मुंह वानर के समान हो गया। भगवान विष्णु भी स्वयंवर में पहुंचे, उन्हें देखकर उस युवती ने भगवान का वरण कर लिया। यह देखकर नारद मुनि बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के लिए व्याकुल किया है उसी प्रकार तुम भी स्त्री विरह का दुख भोगोगे। भगवान विष्णु ने राम अवतार में नारद मुनि के इस श्राप को पूरा किया। तो दोस्तों, ये थे पौराणिक चर्चित 24 श्राप और उनकी कथाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी अवश्य दे पाई होंगी। अगर मेरा वीडियो आपके लिए शिक्षाप्रद लगा हो तो प्लीज़ लोगों तक शेयर जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। धन्यवाद।